है क्या ये नाउंस? नो डाउट, अगर मैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मस्त वाले वे में चलते हैं, नाउंस बचपन में देखा था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। नाउंस से रिलेटेड तो यही चीजें याद आती है। क्यों? ये नाउंस वो टॉपिक है जो बचपन से बिल्कुल घोट घोट के पिलाया गया, और वो डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन पढ़ाई गई है जो चाहे हम नींद में ही क्यों ना, हमें फिर भी याद रहेगी। हम शायद यू कैन से आखिरी यात्रा भी अपनी कर रहे होंगे तब भी याद रहेगी, इतना तगड़ा पढ़ाया गया नाउंस की भूलने की कोई बात आ ही नहीं सकती, है ना। नाउन जब बचपन में पढ़ाया था तब से ऐसा ही पढ़ाया गया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। और मतलब ये इस तरह से रटाया गया है कि कोई नींद में भी हो और तब भी पूछ लिया जाए, बता रहे नाउन में नाउन क्या होता है तो बता रहे हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, और बता एग्जाम्पल राम। तो इतना मतलब कस के याद करवाया गया कि भूलने की कोई बात ही नहीं हो सकती, राइट। तो दैट इज वॉट नाउन्स वी हैव लर्न सो फार, बट आई कैन से नो डाउट ये अपने आप में डेफिनेशन परफेक्ट है, जो है बिल्कुल सही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। लेकिन अगर थोड़ा और प्रैक्टिकली, थोड़ा और एक्सपैंडेड वे में देखे तो आई कैन से वॉट दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज अ नाउन, यानी कि हर वो चीज जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है वो नाउन है। जो सोचो हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है नाउन होगी। जैसे ये पेन एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैं पकड़ पा रहा हूँ, तभी तो मैं इसको दिखा पा रहा हूँ, तभी तो मैं इसके बारे में बोल पा रहा हूँ, नाउन है। और सोचो कुछ भी जो आपके अगल बगल चीजें होंगी सब, आप मोबाइल पे देख रहे होंगे वीडियो, मोबाइल वो आपका क्या है, नाउन है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आप शायद लैपटॉप में देख रहे होंगे वो नाउन है, आप कोई कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे वो नाउन है, अगल बगल कुछ कुर्सी होगी नाउन है, बेड होगा नाउन है, विंडोज है नाउन है, डोर है नाउन है, कर्टेन लगा है नाउन है, कबर्ड रखा है नाउन है, और कुछ वहां पे कोई सूटकेस रखा है वो नाउन है। मतलब हर चीज नाउन है, हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जिस्ट करती है, फिजिकली दिखती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एग्जिस्ट करती है भले ही दिखे नहीं, हम फील कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, वो नाउन होता है। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे गर्मी लग रही है, मान लो गर्मी लग रही है तो हमने जाके, गर्मी के मौसम में होता है गर्मी लग रही है तो हमने क्या पंखा ऑन किया, जैसे ही पंखा ऑन किया हवा आ रही है, वो हवा दिख नहीं रही है कि ऐसे 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 आके आपके अंदर चली गई, लेकिन फिर भी हम फील कर पा रहे हैं यस वो गर्मी लगी और पंखा ऑन किया तो मस्त वाली हवा आ रही है, मस्त मजेदार ठंडा ठंडा कूल कूल सा फील हो रहा है। तो दैट इज वॉट आई कैन से इज नाउन, ठीक है, वही आपका नाउन होता है। तो एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज अ नाउन। कुछ और हो सकता है नाउन, भाई ये तो एक हवा में रहता है, कुछ और होगा, गुस्सा, गुस्सा होगा, गुस्सा नाउन होता है ना, गुस्सा है, दिखेगा नहीं भाई किसी किसी तरह का गुस्सा इस तरह से आके आपके अंदर घुस जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना, लेकिन आप फील कर सकते हो। अलग अलग तरह के गुस्सा, अलग अलग तरह का गुस्सा होता है। जैसे अगर आपने देखा आपके घर के, घर में ही अगर देखो तो दो वैरायटी के गुस्से देख सकते हो आप। जैसे मम्मी का गुस्सा जो आतंक, आई मीन टू से आतंक नहीं बोलना चाहिए, सुन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, मतलब आई मीन टू से वहाँ पे कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा ऐसा शोर शराबा वाला होता है। वहीं पापा का गुस्सा हुआ बिल्कुल शांत वाला होता है, शांत वाला, सन्नाटा वाला, दोनों में डिफरेंस है और दोनों के जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। मम्मी का जैसे गुस्सा आता है तो तुरंत वो किचन में होंगी और तंड 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 आवाज़ आने लग जाती है ना, बिल्कुल तेज तेज आवाज, बर्तन ऐसे डंग डंग बजने लगते हैं। और वही पापा का गुस्सा, पापा गुस्सा ऐसा दिखाते नहीं, पापा केवल और केवल घूर के देख लेते 2 सेकंड के लिए बस, उसके बाद अपनी अपने आप ही पता नहीं क्या होता है, नजर ऐसे नीचे अपने आप हो जाती है। ये बिल्कुल अलग, मतलब मैग्नेटिक पता नहीं कौन सा असर है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं ये भी जो है गुस्सा आप फील कर पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कि ऐसा ऐसा जा रहा है कुछ नहीं, बट आप फील कर पा रहे हो हाँ ये है गुस्सा भैया। तो मम्मी के उस वाले गुस्से में हम अपने आप सही आ जाते हैं, अपने आप ही वहाँ बॉटल वॉटल अगर भरी पड़ी नहीं है जाके बॉटल भर देते हैं। पापा के गुस्से में तो भाई टीवी भी ऑन होता है तो चुपचाप से टीवी बंद कर देते हैं, दोनों गुस्से का अपने आप में कुछ असर रहता है। तो ये भी फील कर पा रहे हैं हम, है ना। दैट इज वॉट वी कैन से एनीथिंग, एनीथिंग लिटरली एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, जो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रखता है वो नाउन है, बात खत्म, ओवर एंड आउट, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी, राइट।